अगर कोई एंटिटी अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को लेकर के ये डिसाइड करता है कि उसे सब्सिक्वेंटली उस असेट को रिवैल्यूएशन मॉडल पे मेजर करना है, तो ईयर एंड में असेट का डेप्रिसिएशन होने के बाद जो भी WDV आता है उसको रिवैल्यू करना पड़ेगा। अगर रिवैल्यूएशन फिगर इज या रिवैल्यूड फिगर इज मोर देन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट, तो जो भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आता है दैट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट शुड गो टू रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिवैल्यूएशन रिजर्व, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, डायरेक्टली टू द बैलेंस शीट, नॉट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन अगर दैट रिवैल्यूएशन इंक्रीज इज विथ रिगार्ड टू एन असेट जो पहले रिवैल्यूएशन रिवैल्यू डाउनवर्ड हो चुकी है और उसका लॉस पहले PL में जा चुका है, तो टू दैट एक्सटेंट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट विल बी क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेस्ट ऑफ द रिवैल्यूएशन प्रॉफिट विल गो टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। सिमिलरली अगर हम किसी असेट को डाउनवर्ड रिवैल्यू करते हैं तो उसका जो लॉस होता है वो P&L को हिट करता है, लेकिन अगर वही असेट पहले अपवर्ड रिवैल्यू हो चुकी है और उसका प्रॉफिट हम RR में क्रेडिट, रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्रेडिट कर चुके हैं, तो अभी जो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन का लॉस होगा वो भी रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट होगा टू दैट एक्सटेंट। रिमेनिंग लॉस इफ एनी विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थैंक यू।